नमस्कार दोस्तों, आज 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियाँ आज के क्या कुछ रेट चले। जी दोस्तों, सुबह के 9:46 हो चुके हैं, लेट हो गया जी वीडियो डालने में। चलिए जानते हैं हन्नी सन्नी भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, गाड़ियाँ कितनी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार मेरे राणा साहब, नमस्कार। विनय भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट जी, कल से गाड़ियाँ कम है ज्यादा है जी? बहुत जी, जैसा कल मार्केट में 32-33 गाड़ियाँ थी, आज मार्केट में 28-30 गाड़ी है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, दो तीन गाड़ी कम है, लेकिन क्या है ना, कल शाम को बारिश हो गई थी एनसीआर के अंदर, थोड़ा सा उसका इफेक्ट है कि मार्केट के अंदर जो कस्टमर है वो काफी कम है। अच्छा जी। हाँ, जैसे अपनी ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये बहुत जी सोलापुर का टमाटर है। और ये वाला जी है? ये टमाटर जो है औरंगाबाद का है, छत्रपति संभाजी नगर, सोलापुर औरंगाबाद। बेंगलोर बंद हो लिया जी अपने? बेंगलोर बंद हो गया, बेंगलोर का टमाटर पीछे बाजार उल्टे सीधे बाजार है, लोगों ने बेंगलोर बंद करवा दिया। अच्छा जी, वैसे गाड़ियां आ रही बेंगलोर की? एक दो गाड़ी, कोई दो तीन गाड़ी अगर आ जाए तो आ जाए, दो तीन गाड़ी, इससे ज्यादा नहीं है। ये सारा माल यानी महाराष्ट्र का है जी ज्यादातर? ज्यादातर 90% महाराष्ट्र का माल है, और कोई 10% जोन सा है वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर का है। अच्छा जी। बेंगलोर के अंदर भी राणा साहब मैं बताऊँ आपको, हाइब्रिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देसी टमाटर है, साहू आता है जो। हाँ, जो दो या तीन गाड़ी होंगी तो वो सिर्फ देसी टमाटर की। वहीं पर बाजार तेज हो लिया जी उसका? बिल्कुल, वहाँ पर बाजार तेज है, वारे है नहीं, लोग बहुत परेशान है। अच्छा जी, अच्छा जी। जो बात करें इसकी, और ये अपना ये है सोलापुर का टमाटर, टमाटर सोलापुर के टमाटर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, टमाटर दागी हो रहा है। अच्छा जी। टमाटर के अंदर देखिए, जैसे कि अब ये टमाटर ऊपर छाप का टमाटर है। अच्छा, देखिए टमाटर के अंदर सोलापुर का टमाटर फेल हो चुका है, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो मंदा भी भर लेते हैं ना। हाँ जी। तब भी वो टमाटर पहुंच नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी सोलापुर के अंदर, जो कि टमाटर को बिल्कुल डैमेज कर दिया है। कहीं की लाट तो ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल सड़े सड़े लाट आ रहे हैं, जो 450-450 के भी बेचने पड़ जाते हैं। जो बढ़िया माल है जी, जो VIP टमाटर है आज की डेट में, उसकी पोजीशन 550 रुपए है। और हाइब्रिड कहाँ का रहा जी? सबसे बेस्ट क्वालिटी ये वरगांव, यहाँ पर पड़ा हुआ नहीं है वो, ये वरगांव की क्वालिटी सबसे बेस्ट है, वो आज बिकी है 600 से लेकर 620 रुपए। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई बहुत फन्ने खाओ तो 650 बेच ले तो बेच ले, अदरवाइज 600 से लेकर 630 रुपए ये वरगांव का टमाटर बिका है। इसके अलावा और हाइब्रिड कहाँ का जी? हाइब्रिड ये सोलापुर का हो गया, ये वरगांव का हो गया, और जयसिंहपुर की अगर आएगी तो एक आध गाड़ी होगी, वो भी ना के बराबर है। अच्छा, इसके अलावा जो है हाइब्रिड नहीं है। अच्छा, दो जगह का टमाटर चल रहा है, नासिक का और सोलापुर का। ठीक है जी। ये समझ के चलिए 30% सोलापुर होगा और 30-40% कौन सा है नासिक का। नासिक के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी येवर गांव की है। अच्छा, इससे बढ़िया क्वालिटी पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर नहीं है। और ये जो अपने, ये कौन से बताया आपने? छत्रपति संभाजी नगर। इनकी क्या पोजीशन? ये जी की अच्छे जो टमाटर VIP टमाटर है, इसके अंदर 630-640 रुपए बिकेंगे। अच्छा जी। हल्के टमाटर 600-550 रुपए। अच्छा जी। जो VIP टमाटर को एक आधा लाट 650 भी बिक सकता है। और इसके अलावा देसी टमाटर कहाँ से? देसी टमाटर छत्रपति संभाजी नगर और साथ में बेंगलोर। अच्छा, इसके अलावा मार्केट के अंदर और कोई टमाटर आपको फिलहाल देखने को नजर नहीं आएगा। बेंगलोर का भी टमाटर ये समझ के चलिए सिर्फ दो या तीन गाड़ी, छत्रपति संभाजी नगर की गाड़ियाँ होंगी कोई मेरे हिसाब से 10 गाड़ी के आसपास। अच्छा, लेकिन मैं बताऊँ ये भी गाड़ियाँ बहुत महंगी खुल रही हैं। अच्छा जी। बाजार जिस हिसाब से पीछे टाइट हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पर टमाटर महंगा नहीं बिक रहा, और हर जगह की ये सिचुएशन हुई पड़ी है पूरी दिल्ली। अभी मैं एक आठ के पास से आया जी, जी परले साइड में मैं उनके पास बैठा जी, आज गाड़ी नहीं है उनके पास। जी, वो जी। क्या मंगाए, क्या काम करे, जिस रेट में यहाँ क्रेडिट भी करी, इस रेट में कल वहाँ पीछे 20 किलो के माल गए बाबूजी। राणा साहब, पिछले 3 महीने हो गए हैं मुझे उसके ना बेचारे के हाव भाव ऐसे हो गए, लोग पता नहीं कैसे काम कर रहे, कैसे नहीं काम कर रहे जी। बाबूजी अपनी पूंजी घटा रहे हैं हम लोग, जो आड़ती अपना धंधा कर रहा है वो अपनी पूंजी घटा रहा है, जो व्यापारियों का माल बेच रहा है वो व्यापारी अपनी पूंजी घटा रहा है, और इस साल घाटे इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको आज आपके वीडियो के अंदर ये बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके वीडियो के, उस कमेंट के अंदर कई कई हमारे भाई ये बोलते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो, ज़्यादातर किसान भाई ये बात बोलते हैं कि आप हमेशा बोलते रहते हैं घाटे हैं घाटे घाटे हैं, अगर घाटे हैं तो बोले जा रहे हैं, वरना हमें शौक नहीं है ना, तो राणा साहब आपने हमारे को कुछ देना है ना हमसे लेना है। ठीक है जी। ना हमको किसान ने देना है ना किसान हमारे से ले सकता है। ठीक है जी। अगर हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोगों के घट रहे हैं, तभी हम लोग बोल रहे हैं। ये सारा 1200 का चक्कर है, माल बढ़िया नहीं आ रही है। और अकेले मुझे नहीं घट रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर अगर 100 गाड़ी है तो 100 के 100 को घट रहे हैं।
हालात कंडीशन खराब है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो आड़ती है, चाहे वो पीछे से भरने वाला लोडर है, सबके पैसे घट रहे हैं। सीजन एंड होते होते पता नहीं कितने पंप फूटेंगे, ये तो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। ठीक है जी। बेंगलोर के अंदर तो कई सारों की आवाजें आ गई हैं, जिन्होंने बेंगलोर से धंधा किया था, किसी की डेढ़ बक्से की, किसी की दो बक्से की, किसी की ढाई बक्से की आवाजें आ गई हैं। सीजन रफू चक्कर हो लिए। हाँ जी, रफू चक्कर हो चुके हैं वहां से। सीजन एंड होते होते आपको महाराष्ट्र का भी सीजन दिखा दूंगा, सीजन एंड होते होते कितने बम और फूटेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, इसीलिए जितना हो सकता है सावधानी से काम करिए, थोड़ा काम करिए, नकद का काम करिए, उधार का काम मत करिए। ठीक है जी। ये सब उधार के ऊपर है। भर दो तीन गाड़ी भर दो जी, पैसा एक रुपया नहीं देना। पैसा दो तो पता चले ना, तीन गाड़ी का पेमेंट करो तो यही गाड़ी चल रही है बस। पेमेंट का पेमेंट लो सबको, पीछे से पेमेंट हार्ड कैश हो जाएगी तो धंधे अच्छे हो जाएंगे। जो उधार करेंगे, उधार में तो बंदा कहता है राणा साहब ने फोन मार दिया, भाई जी मेरी तीन गाड़ी बना दो। हाँ जी सेठ जी, तीन गाड़ी बन जाएगी, पेमेंट एक रुपया नहीं मिला। ठीक है ना। इसीलिए सब किसान भाइयों से, जी सब पैसे लग के आएगा माल, फिर वो रोक के बेचेगा, रोक के बेचेगा और इतना ज्यादा नहीं भरवाएगा। तीन भरने वाला कहेगा यार एक भर दे कोई बात नहीं, पैसा कहाँ से लाए इतना। ठीक है जी, समझ रहे ना मेरी बात को। समझ गया जी मैं। इसीलिए सब बंदे पीछे टाइट होंगे, देना नहीं और यहाँ भरवा रहे। भाव जी पीछे टाइट होंगे, पीछे नकदी का काम हो जाएगा तो ट्रेड अच्छा हो जाएगा। जिसके हाथ में ताकत होगी, जिसके हाथ में पैसा होगा, वही धंधा कर पा रहा होगा। ठीक है जी। अब तो क्या चक्कर है, सब टोपी घुमा रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। कई लोग सामने बोल देते हैं कि सबकी बात करो, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं टोपी घुमा रहा हूँ और बोलो। चलो चलो ठीक है जी। जी यानी मेन खेल तो जी आपकी बारी है, सारा क्लाइमेट का है जी। सारा क्लाइमेट का तो है ही है, खरीदार बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब तक हम लोग ट्रेड के ऊपर एक थोड़ी सी नकेल नहीं कर सके। मेरे को भूख है दो गाड़ी की, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को भूख है दो गाड़ी की और मैं यहाँ पर चार लगा के खड़ी कर दूंगा। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, बाजार में भी इफेक्ट पड़ेगा, मेरे बेचने में भी इफेक्ट पड़ेगा। मैं भी कहूंगा यार जल्दी कर जल्दी कर, यही मेरे को पता है, मेरे को दो ही मंगानी है। मैं पीछे से भी खरीदारी दो गाड़ी की करवाऊंगा। ठीक है जी। पेमेंट देनी होगी तो, नहीं देनी होगी तो कहूंगा चार भर दे यार, क्या दिक्कत है। जब तेरी गाड़ी आएगी बिकेगी तब देखेंगे क्या करना है। ठीक है ना राणा साहब। हम तो कहें जी मौसम खुल गया जी, अब तो आज तो मौसम दिल्ली में खुल गया। खैर बिल्कुल बढ़िया चले जी, मौसम खुल गया पर आरती नहीं खुल पा रहे, आरती बंद हो गए। चलिए धन्यवाद भाई। 98 111 078 40 9811 07840 विनय नाम है, अशोक कुमार सुभाष चंद्र 1334। धन्यवाद भाई।